हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। जो आज की वीडियो है वो है पोस्को एक्ट के ऊपर। पोस्को एक्ट है क्या, ये किसके बारे में बात करता है, और इसका एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि रेप हो गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में भी पाई जा रही हैं। जैसे बच्चों में मीन्स कि 18 साल से जो कम की लड़कियां हैं उनका भी रेप किया जा रहा है। और ऐसी सोच जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा हिलीरियस ऑफेंस है। बच्चों के साथ कमिट किया गया ऑफेंस जो होगा एक बहुत ही ज़्यादा हिलीरियस ऑफेंस होगा, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी को झिझोड़ देता है कि अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो, उनका कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो। सो जो हमारा पोस्को एक्ट है, इसकी जो लीगल प्रोविजंस हैं वो इन्हीं से डील करती हैं, बच्चों से डील करती हैं कि अगर बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है या फिर उनके साथ रेप कमिट किया जाता है, तो पोस्को एक्ट में उनको काफ़ी सारी ज़्यादा सख्त पनिशमेंट, सजाएं बताई गई हैं। आप सभी ने सुना होगा जिसके ऊपर पोस्को एक्ट लगता है उसको बेल भी काफ़ी काफ़ी देर बाद मिलती है, काफ़ी मुश्किल से मिलती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो कि बेल अगर लेनी है, अगर उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है पोस्को एक्ट में, उसने कैसे बेल लेनी है। सो आप उसका वीडियो जो है हमारे, मैं ऊपर आई बटन में लिंक जो है मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जो पोस्को एक्ट है उसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनको उनके बचाव की बात की गई है। किससे बचाव की बात की गई है? सेक्सुअल ऑफेंसेस से बात की गई है। सेक्सुअल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? कि उनके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाना, या फिर उनको कोई पोर्नोग्राफी दिखानी, या फिर उनको पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करना, ऐसी जो बातें आती हैं वो एक सेक्सुअल ऑफेंस माना जाता है। सो ये 2012 का एक्ट है, 2012 में इसको लाया गया था। ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो ये लागू होता है। और इसकी जो प्रोविजंस हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ से डील करती हैं, लेकिन ये जो एक्ट है अकेला बच्चों पर ही एप्लीकेबल होता है। बच्चों पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि 18 साल से जो कम बच्चे होंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, हमारे देश में 2,40,000 केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं पोस्को एक्ट के। और ये जो 2,40,000 केसेस हैं ये दिसंबर 2020 के हैं। अभी 2021 के जो भी दिन, जो भी महीने निकले हैं उनको अभी काउंट नहीं किया गया। सो 2,40,000 भी पेंडिंग पड़े हुए हैं पोस्को एक्ट के केस पूरे इंडिया में। सो आप देख लीजिए कि कितनी हमारी सोसाइटी जो है बच्चों के साथ ऑफेंस कमिट कर रही है। अगर हम बच्चों की बात करें तो आपके मन में ये भी ख्याल होगा, बच्चा कितने साल का होना चाहिए कि वो पोस्को एक्ट में आएगा। अगर उसके साथ किस उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाए और उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगेगा, उस जिसने ऑफेंस कमिट किया होगा। देखिएगा, इस बच्चे की उम्र को लेकर, बच्चे की एज को लेकर हमारे कानून के अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट हैं। पोस्को एक्ट है हमारा, चाइल्ड लेबर एक्ट है, जुविनाइल जस्टिस एक्ट है एंड फैक्ट्री एक्ट है। अगर हम चाइल्ड की डेफिनेशन की बात करें इन सभी एक्ट्स में, तो काफ़ी सारे जो हैं डिफरेंस पाए जाते हैं। डिफरेंस कैसे? अगर हम पोस्को एक्ट की बात कर लें, पोस्को एक्ट में जो चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे की एज बताई गई है 18 साल से कम। मतलब कि पोस्को एक्ट कहता है जो भी बच्चा 18 साल से कम होगा वो बच्चा पोस्को एक्ट के अंतर्गत आएगा। और ये कहाँ पे बताया गया है? पोस्को एक्ट के धारा 2 सब क्लोज डी बताता है इसका, आप चेक भी कर सकते हो। आगे है चाइल्ड लेबर एक्ट।
चाइल्ड लेबर एक्ट क्या कहता है? चाइल्ड लेबर एक्ट कहता है बच्चे की डेफिनेशन होगी 14 साल से कम, 14 साल से कम की उम्र वाला बच्चा, एज वाला बच्चा, वो बच्चा माना जाएगा चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत। और जुविनल जस्टिस एक्ट क्या कहता है? जुविनल जस्टिस एक्ट कहता है 18 साल से कम वाला बच्चा चाइल्ड माना जाएगा। एंड फैक्ट्री एक्ट कहता है 15 साल से कम वाला बच्चा जो है वो चाइल्ड माना जाएगा। ऐसे ही हमारे कानून में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अगर हम पोस्को एक्ट की बात करें तो 18 साल से कम वाला बच्चा होगा, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है, ऑफेंस किया जा रहा है, तो वो पोस्को एक्ट के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओके, अब बात करते हैं, ये है एक जनरल न्यूट्रल एक्ट। जनरल न्यूट्रल एक्ट मतलब कि इसमें अकेला लड़की की बात नहीं की गई, लड़के की भी बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति लड़के के साथ भी कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है, उसको पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करता है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है, और लड़की हो चाहे चाहे लड़का हो, ये दोनों की बात करता है। ऐसा नहीं है अकेला कि लड़की की बात की जा रही है, पोस्को एक्ट में अकेला रेप कमिट किया गया है लड़की के साथ, वो जो है लड़के के साथ भी हो सकता है। ओके, सो ये एक जनरल न्यूट्रल एक्ट है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस एक्ट में हर एक तरह का सेक्सुअल अब्यूज आएगा, हर एक तरह का, मींस कॉन्टैक्ट हो या नॉन कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एक्ट हो या ऑफेंस हो। कॉन्टैक्ट कैसे हो? अगर आपने पेनिट्रेशन के थ्रू सेक्सुअल ऑफेंस किया है, वो आ जाएगा इसमें। नॉन पेनिट्रेशन भी आ जाएगा, अगर आपने उसको पोर्नोग्राफी दिखाई है, अकेला दिखाई है, या फिर उसको यूज़ करा है पोर्नोग्राफी के लिए। हर एक तरह का सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो पोस्को एक्ट में पनिशेबल है, चाहे आपने उसको अकेला दिखाया है, चाहे आपने उसको यूज़ किया है पोर्नोग्राफी के लिए। आगे है फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडेड रिलीफ टू चाइल्ड। और ये एक्ट जो है, ये एक्ट जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ होगा, उस बच्चे को रिलीफ देता है, और उसके साथ जिसने किया होगा उसको पनिशमेंट देता है। ओके, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस अक्यूज के ऊपर है। अक्यूज कौन होगा? जिसने उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया होगा उसके ऊपर है कि उसने ये प्रूफ करना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है हमारे इंडिया में। इंडिया में ये कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल जो है पोस्को एक्ट में जितने भी केसेस होंगे उनको एक स्पेशल कोर्ट डील करेगी। ओके, स्पेशल कोर्ट के तहत उनके ऊपर, उनके जो अक्यूज्ड होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ एक स्पेशल ट्रायल चलेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो अक्यूज होता है, जिसने कमिट किया होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के साथ, उनको थोड़ा सा बेल मिलने में मुश्किल होती है। ओके, सो इसमें काफ़ी सारे पोस्को एक्ट में काफ़ी सारे ऑफेंसेस मेंशन हैं, वो सारे ऑफेंसेस को मैं वन बाय वन, पोस्को एक्ट के जितनी भी सेक्शन हैं, धाराएं हैं, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, वन बाय वन आपके पास जो हैं हमारी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा, और आपको क्या करना होगा, हमें सब्सक्राइब करना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपको इस ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चों के साथ ऑफेंस कमिट करेगा तो उसके ऊपर क्या प्रावधान, उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।